गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस अभी बज रहे हैं मतलब शाम के 7:30 या 8 ही बजने वाले हैं, मतलब 8:30 ही बजने वाले हैं। तो और माही आज की डेट कौन सी है? मुझे खुद दिल्ली पर छुट्टियां लग गई, मुझे नहीं पता छुट्टियां लग गई है तो इसको पता नहीं है। हां 24 तो आज की डेट है 24 और ट्यूसडे है ना, आज ट्यूसडे है, आज की है मतलब डेट 24 है और ट्यूसडे है आज। तो बस अभी शाम के बज रहे हैं 7:30 मतलब 7:45 सॉरी। तो अभी बनाने वाले हैं डिनर, डिनर के लिए ना हम लोग बनाने वाले हैं शिंगोड़े। मतलब आज ना ऐसा कुछ अलग सा खाने का मन कर रहा था तो शिंगोड़े बनाने वाले हैं। और एक्चुअली शिंगोड़े किस किसने नाम सुना है ये ज़रूर बताना, और कौन कौन बनाता है ये ज़रूर बताना, क्योंकि महाराष्ट्र में तो सभी लोग बनाते होंगे, बनाते भी होंगे तो अलग नाम देते होंगे इसे। आपके साइड में बनाते हैं या नहीं बनाते हैं मुझे ज़रूर बताना। और पीछे माही क्या कर रही है? कुछ भी नहीं मिलेगा, डेटॉल ही नहीं मिल रहा है कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चलिए फिर शिंगोड़े बनाते हैं। दोनों बाप बेटे खेल रहे हैं अभी क्रिकेट, बाहर नहीं जा सकते तो घर पे ही खेल रहे हैं। फील्डिंग, अरे तू बॉलिंग कर, मी फील्डिंग करतो म्हणते। करो स्टार्ट। हाँ वेरी गुड, दोनों तीनों बाप बेटे खेल रहे हैं क्रिकेट, क्योंकि बाहर जाने के लिए नहीं मिल रहा है, बच्चे भी बाहर नहीं जा रहे हैं और ये तो इनकी ड्यूटी है तो इसकी वजह से उनको बाहर जाना पड़ ही रहा है। बट बच्चों को मतलब बच्चे बाहर नहीं जा रहे तो टाइम पास कैसे होगा, इस वजह से वो भी उनके साथ टाइम पास कर रहे हैं। मतलब बच्चों को बाहर ना जाने देने का ये ईजी वे उन्होंने ढूंढा है। ना सबसे पहले हमें आटा गूंदना होता है, तो सिंपल आटा मैंने लिया है यहाँ पे गेहूं का, और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ बेसन, थोड़ा सा इतना, एक चम्मच बेसन ऐड करना है आपको, बड़े एक चम्मच। और उसके बाद हम लोग उसमें मसाला ऐड करेंगे, मीन्स मसालों में थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा अजवाइन, और उसमें ऐड करूँगी मैं तिल भी थोड़ी से, और बस इतना ऐड करके फिर हमें मिक्स कर लेना है उसको, सारी चीज़ों को। थोड़ा सा ऐड ना आप जो नमक है थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कीजिएगा आटे में, मेरा थोड़ा सा नमक कम पड़ गया था तो थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा, मतलब उसकी टेस्ट काफ़ी अच्छी आएगी। आप नाश्ते में भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो, मतलब डिनर वगैरह में भी बना सकते हो, तो जैसे मर्ज़ी हो आप। बीच में अगर खाने का मन किया तो, भूख लगी हो या बीच में खाने का मन हो तो उस टाइम भी आप बना सकते हो इसे, काफ़ी टेस्टी लगता है। तो हम लोग ज़्यादातर ना इसे डिनर में ही बनाते हैं, मतलब कभी कभी ऐसे कभी डिनर बनाना जान पे आया या कभी ऐसे मन किया खाने का तो हम लोग बना लेते हैं। उस आटे में थोड़ा सा तेल ऐड करना है और उसके बाद उसे आटे को गूंद लेना है आपको, जैसे हम लोग रोटी के लिए या पराठे के लिए गूंदते हैं उसी टाइप में गूंद लेना है आपको सारे मिक्स करके आटे को। और श्रीकांत भी मेरी हेल्प करने वाला था, मतलब वो जो आटा गूंदने के बाद जो बनाया जाता है ना शिंगोड़े बनाए जाते हैं, तो उसके लिए मतलब बहुत सारे बनाने थे, सबके लिए बनाने थे, तो बहुत सारा मतलब आटा गूंद रही थी मैं, तो बोल रहा था कि कम पड़ेगा, इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा उसने आटा दे दिया था मुझे, तो वो भी हेल्प करने वाला है बनाने में। तो वैसे भी वो कुछ ना कुछ हेल्प कर ही देता है मेरी, कैसे मतलब कुछ भी बनाती हूँ मैं तो उसमें मेरी हेल्प वो कर ही देता है, और जब ये रहता है घर में तो ये कर देते हैं हेल्प।
जब कभी ये बिजी रहते हैं या कभी घर पे नहीं रहते हैं तो फिर वो हेल्प कर देता है मेरे। तो इस तरह से आटा गूंदना है आपको अच्छे से, जैसे हम लोग रोटी के लिए गूंदते हैं उसी टाइप से हमें आटा अच्छे से गूंद लेना है। आटा गूंद जाने के बाद उसे थोड़ा सा तेल लगा के, आपको हाथों को तेल लगा के अच्छे से उसे गूंदना है, मतलब अच्छे से सॉफ्ट हो जाए आटा, इस तरह से गूंदना है आपको। और उसके बाद ये आटा हमारा रेडी हो चुका है, इसके हम लोग शेंगोड़े बनाएंगे। और बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी रेसिपी है, आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। शेंगोड़े तो हमारे बन गए हैं, तो अब हमें बनानी है इसकी ग्रेवी। तो सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा देनी है, उसमें थोड़ा सा तेल ऐड करना है। उसके बाद हमें ऐड करना है उसमें प्याज, तो यहाँ पर मैं प्याज काट रही हूँ, एक्चुअली चॉपर में चॉप करने वाली हूँ, क्योंकि इसके लिए हमें थोड़ा सा फाइन चॉप किया हुआ जो प्याज है वो चाहिए होगा, इसी वजह से मैं इसे चॉपर में ही चॉप करने वाली हूँ। यहाँ पर आप तेल का भी यूज़ कर सकते हो और घी का भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी लोग घी में बनाते हैं और कुछ लोग तेल में बनाते हैं, तो मुझे तेल वाला पसंद है। और यहाँ पर मैंने जीरा ऐड किया है और राई ऐड की है, उसके बाद मैंने ऐड किया है उसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसे अच्छे से चला लूँगी। और उसके बाद उसमें इसकी कच्ची स्मेल जाने के बाद और ये अच्छे से मतलब फ्राई होने के बाद, पक जाने के बाद, उसमें मैं जो प्याज मैंने चॉप किया है वो प्याज उसमें ऐड कर दूँगी और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक चला लूँगी। और प्याज को अच्छे से चलाना है गोल्डन ब्राउन होने तक, और उसके बाद आपको उसमें टोमेटो ऐड करना है। तो मैं इसी चॉपर में टोमेटो भी चॉप कर लूँगी, अच्छे से फाइन चॉप कर लूँगी, और उसके बाद हमें इसमें टोमेटो ऐड करने हैं। यहाँ पर प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, उसके बाद हम लोग उसमें मसाले ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी, नमक और उसमें थोड़ा सा मिर्च पाउडर, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च पाउडर, और उसको अच्छे से चला लेंगे। धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद हमें उसमें टमाटर ऐड करना है और टोमेटो गलने तक हमें वेट करना है, और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे तो टमाटर अच्छे से गल जाएगा और जल्दी गल जाएगा। तो उसके बाद हमें उसको वेट करना है टोमेटो गलने तक, और उसके बाद हमें उसमें पानी ऐड कर देना है। बस हो गया हमारा ग्रेवी के लिए, मतलब शेंगोड़े के लिए ग्रेवी रेडी। तो यहाँ पर मैं धनिया पाउडर भी ऐड कर दे रही हूँ, उसके बाद हम पानी ऐड कर देंगे। एक्चुअली शेंगोड़े जो है वो हमारे बहुत सारे थे, तो इसी वजह से मैंने कढ़ाई जो है वो बड़ी ले ली थी पहले ही, और इसको बॉईल आने देंगे, मतलब बॉईल होने देंगे पानी को, और उसमें पानी को उबाल आ जाने के बाद जो शेंगोड़े हैं हम उसमें ऐड कर देंगे। तो बस पानी बॉईल हो जाने के बाद इस तरह से एक एक करके आपको शेंगोड़े इसमें ऐड करने हैं। एक्चुअली ना शेंगोड़े आपको ध्यान से ऐड करने हैं, थोड़ा सा एक एक करके ऐड करने हैं, एकदम से आप ऐड कर दोगे उसमें पानी है आपके ऊपर उड़ने का डर रहेगा, मतलब आपके हाथों पे आने का या मुंह पे आने का डर रहेगा, तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान से ही ऐड करना है, एक एक करके ऐड करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट सेफ्टी मस्ट होती है, तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान से ही ऐड करना है। इसे पानी बॉईल हो जाए तभी आपको इसमें ऐड करना है इसे, नहीं तो वो चिपकने लगेंगे एक दूसरे से, इसी वजह से। और बस इस तरह से मैं इसे अच्छे से चला लूँगी और उसके बाद इसे ढक के रख दूँगी, और इसे कम आंच पे होने देना है आपको, और ये पकने के बाद ऑटोमेटिक ये ऊपर आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा ये पक गया है या नहीं।
बन गया है डिनर और शेंगोड़े बनाए हैं तो, और बच्चों को लगी है भूख इसी वजह से सबसे पहले तो डिनर करते हैं और उसके बाद आपसे बात करती हूँ। पर हाँ, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि आज का वीडियो क्यों नहीं आया। तो आज ना वीडियो सुबह से अपलोडिंग के लिए डाला है बट नेटवर्क की वजह से अपलोड ही नहीं हो रहा है यार। मैं कब से चेक करने जा रही हूँ, बार बार ऊपर जा रही हूँ चेक करने के लिए बट अपलोड ही नहीं हो रहा है, तो मैं टेंशन में आ गई थी। एक्चुअली नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, सभी लोग घर पे बैठे हैं तो सभी लोग नेट यूज़ कर रहे हैं, इसी वजह से ना थोड़ा सा वो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है और स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है, तो इसी वजह से व्लॉग अपलोड नहीं हुआ है, अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। पता नहीं अभी अपलोड होगा तो मैं शेड्यूल पे डाल दूँगी कल अपलोड, मतलब कल डायरेक्ट आप देखोगे इसे, और अगर अभी मतलब जल्दी अपलोड हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं शेड्यूल पे डाल दूँगी, क्योंकि इतना लेट व्लॉग अगर अपलोड होता है ना तो कोई देखता नहीं है फिर, इसी वजह से कल सुबह ही अपलोड करना बेटर रहेगा उसे, तो मैं ऐसे ही करूँगी। चलिए फिर पहले खाना खा लेती हूँ। अभी मेड नहीं आ रही तो खुद को ही बर्तन क्लीन करने पड़ रहे हैं, तो मैं बर्तन भी क्लीन कर लूँगी। अभी 3-4 ही प्लेट, मतलब जितने लोगों ने खाना खाया है 4-5 ही प्लेट्स निकली है, तो इसी वजह से ना अभी क्लीन करने से बेटर रहेगा, मतलब नहीं तो फिर सुबह जान पे आता है करना और फिर बहुत सारे बर्तन निकल जाते हैं, तो इसी वजह से अभी जितने हैं उतने क्लीन कर लूँगी और फिर अब सुबह का टेंशन नहीं रहेगा मुझे, तो इसी वजह से मैं अभी क्लीन कर रही हूँ और बस रात के क्लीनिंग भी हो जाएगी और मतलब बेसिन में बर्तन भी नहीं रहेंगे। सारे काम हो जाने के बाद मैं ऊपर चेक करने के लिए आई थी, सारे काम तो हो चुके हैं, डिनर हो चुका है, बर्तन क्लीन हो चुके हैं, सारे काम हो चुके हैं। मैंने सोचा चलो व्लॉग को देख के आते हैं, व्लॉग अपलोड हो गया होगा, बट अभी तक व्लॉग अपलोड नहीं हुआ है यार। अभी बज रहे हैं 10:30, 10:30 बजे अगर, मतलब 11 बजे या 11:30 बजे अगर व्लॉग अपलोड होगा कोई नहीं देखेगा, इसी वजह से मैं सुबह ही अपलोड कर दूँगी उसे, मतलब शेड्यूल पे डाल दूँगी और सुबह आप लोग देखोगे। और आजकल ना व्लॉग काफ़ी कम लोग देख रहे हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा मूड भी वो हो रहा है कि यार इतने मेहनत से बना रही हूँ और व्लॉग काफ़ी कम लोग देख रहे हैं, तो थोड़ा सा फील भी हो रहा है। हो सकता है कि नेटवर्क की वजह से या रीज़न क्या है ज़रूर बताना मुझे, आप लोग व्लॉग क्यों नहीं देख रहे हो ये बता रहे थे मुझे कि जो भी अभी बाहर दिख रहे हैं ना तो उनको पुलिस लोग मार रहे हैं, मतलब जो भी बिना रीज़न के बाहर निकल रहे हैं, मतलब बिना रीज़न के मीन्स जैसे कोई ड्यूटी की वजह से निकल रहा है, मतलब पुलिस है या जो हॉस्पिटल कर्मचारी है ये जो भी है, तो वो उनको तो निकलना ही पड़ रहा है, तो उनके अलावा जो भी बाहर निकल रहे हैं जैसे कि घूमने के लिए या कुछ भी लाने के लिए, तो बिना सोचे समझे मार रहे हैं, बोल रहे हैं पुलिस लोग, तो यही बता रहे थे अभी नीचे, तो वही बातें चल रही थी हमारी अभी तक। तो मैंने बोला उनको कि आपको बुरा नहीं लग रहा है क्या, तो मैं बोल रहा कि जान, मतलब मारने से अगर वो घर पे रहते हैं तो उनकी जान जाने से अच्छा है उनको मारो,
तो वो घर पे रहेंगे। और मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए यार, मतलब इनको खुद को समझना चाहिए, खुद की जान खुद को प्यारी होनी चाहिए, मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो बोल रहे थे कि बुरा लगे या अच्छा लगे अभी करना तो पड़ेगा ही, तो इसी वजह से बोल रहे बता रहे थे कि क्या क्या सिचुएशन है बाहर की, मतलब हम लोग तो बाहर निकल नहीं रहे हैं, तो जो भी बाहर है अभी वो बाहर जा रहे हैं तो बाहर की सिचुएशन बता रहे हैं घर पे आके कि ऐसा ऐसा हो रहा है बाहर, लोग मान ही नहीं रहे हैं, लोग बिल्कुल लाइटली ले रहे हैं कोरोना वायरस को, कुछ भी मतलब उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कोरोना वायरस है या नहीं है। तो इसी वजह से मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि घर पर रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कुछ दिन रहना है घर पर, अगर आप सेफ़ रहोगे घर पर रह के, अगर आप सेफ़ रहोगे तो उससे अच्छा ऑप्शन कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आपको जान प्यारी है तो आप घर पे रहिए, अंदर रहिए, सेफ रहिए, मतलब आपकी जान क्या है, आपको अगर आपकी जान प्यारी नहीं है तो कम से कम दूसरों के लिए घर पे रहिए, अंदर रहिए, घर के अंदर रहिए, बस यही कहना चाहती थी। और चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, काफ़ी लेट हो गया है, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोस, हॉल वीडियोस, मेकअप वीडियोस इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।